सत श्री अकाल चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लें सुर्खियों के वल। कैनेडियन पीएम ट्रूडो ने यूएई के राष्ट्रपति नाल भारत कनेडा विवाद की की चर्चा। कानून के राज को बरकरार रखना जरूरी, दोवां ने इजराइल की मौजूदा स्थिति से भी की चर्चा। विधानसभा चोणां तो पहला कांग्रेस कार्ज कमेटी की बैठक, चोण रणनीति से की गई चर्चा। बैठक च महिला राखवन ते बने कानून ते होवेगी भी चर्चा। नैनीताल च वड्डा हादसा, हरियाणा तो 34 लोगों नाल भरी बस डिगी खड्ड च, बच्चियां ते औरतां समेत 7 की मौत। बचाव कार्ज लगातार जारी। कनेडियन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मुहम्मद बिन जायद अल नाहान नाल भारत कनेडा विवाद से चर्चा की है। कहा कि कानून के राज को बरकरार रखना ते सत्कार करना महत्वपूर्ण है। कनेडियन प्रधानमंत्री ने यूएई के राष्ट्रपति नाल टेलीफोन से गल की, दोवां ने इजराइल की मौजूदा स्थिति से भी चर्चा की। दोवां नेतावां ने नागरिकों की जान की सुरक्षा की जरूरत से चिंता जाहिर की है। ट्रूडो ने एक पोस्ट लिखा है कि अज फोन से मुहम्मद बिन जायद से मैं इजराइल की मौजूदा स्थिति बारे गल की है, तो असं अपनी डूंगी चिंता जाहिर की, नागरिकों की जिंदगी की सुरक्षा की जरूरत से चर्चा की है। इस तों इलावा असं भारत के कानून के शासन को कायम रखन ते उसका सत्कार करने के महत्व बारे भी गल। पांच सूबियां च विधानसभा चोणां तो पहला कांग्रेस पार्टी की कार्ज कमेटी की बैठक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली च हो रही है। इस बैठक च पांच सूबियां च होने वाली विधानसभा चोणां समेत कई होर तमाम मुद्दों से चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। इस दे नाल ही बैठक च देश दे सियासी हालात, जाति जनगणना, जांच एजेंसियां की दुरवरतों ते कुछ होर सियासी ते आर्थिक मुद्दों ते चर्चा संभव है। इस तों इलावा बैठक में महिला राखवांकरण से बने कानून से भी चर्चा की जाएगी। इस बैठक में कांग्रेस प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे, साबका प्रधान सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई होर सीनियर नेता शामिल हुए हैं। जानकारी मुताबिक कांग्रेस की इस बैठक में पांच सूबों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना ते मिजोरम दी विधानसभा चोणों लई चुनावी रणनीति से चर्चा की जाएगी। कार्ज कमेटी की बैठक अजिहे समय हो रही है जदों कुछ विरोधी टीमों के नेता केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। उत्तराखंड के नैनीताल च एक दर्दनाक हादसा वापरिया। दरअसल हरियाणा के हिसार तो स्कूल स्टाफ नूं लैके नैनीताल आ रही एक बस खड्ड विच डिग गई। बस में 34 यात्री सवार सन, 27 लोगों को जख्मी हालत बचाया गया ते इलाज लई हस्पताल भर्ती करवाया गया। बस हादसे में हुण तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मरन वालों च 5 औरतां, 1 पुरुष ते 1 बच्चा शामिल है। दस दिए कि नैनीताल तो हरियाणा परतदे समय काला टूंगी नैनीताल रोड से हादसा वापरिया। जख्मियों को बचा के कम्युनिटी हैल्थ सेंटर काला टूंगी लिया गया। कई लोग जख्मी ने जिन्हों रैफर किया गया। SSP प्रहलाद मीना और SP सिटी हरबंस सिंह भी मौके पर मौजूद ने, जिन्हें दसिया कि हादसे में 27 लोगों को बचा लिया गया, 7 की मौत हुई है। ये SDRF समेत पुलिस टीम बचाव कार्य चला रही है। पंजाब च जमीन हेठले पानी का पद्धर लगातार डिगदा जा रहा है। इसनू रोकण लई पंजाब सरकार एक होर महत्वपूर्ण कदम चुकन जा रही है। सरकार किसानों तो ले जाण वाले वाटर सेस नू खत्म करन दीआं तैयारियां कर रही है। इस बारे सरकार ने अपने पद्धर ते कार्रवाई शुरू की है। हालांकि पहला भी सरकार कई सालों तो किसानों तो पानी का घर भाव वाटर सेस नहीं लै रही, फिर भी जेकर योजना सही तरीके लागू होंगी है तो नहरां दे पानी की वरतों से भी कोई बिल नहीं आवेगा। विभाग अनुसार यह सेस 100 रुपये प्रति एकड़ बंद है तो सरकार इसनों खत्म करना चाहती है। तो किसान जमीन हेठले पानी की जगह नहरी पानी की वरतों ज्यादा करना, इसलिए नहरां ते छप्पड़ां की हालत में सुधारिया गया। इतने भी दस दिए कि पिछले 8 सालों दौरान 210.69 करोड़ रुपए वाटर सेस बनता है, जिसों सिर्फ 2.5 करोड़ ही वसूल हो सके हैं। बाकी 208 करोड़ के करीब बकाया बचता है। जेकर इस योजना नूं चंगी तरह लागू कर दिता गया तो किसान जमीन हेठले पानी की घट वरतों करेंगे।
जलंधर च अगजनी की वड्डी घटना सामने आई है। दस्या जा रहा है कि शहर के अवतार नगर च गैस सिलेंडर लीक होने कारण घर च भयानक अग लग गई थी। सिलेंडर च ब्लास्ट होने कारण परिवार बुरी तरह झुलस गया। इस दर्दनाक हादसे च परिवार के 6 मेंबर झुलस गए, जिन्हों चो 5 की मौत हो गई है। मृतकों च 3 मासूम बच्चे भी शामिल। घटना तो बाद मौके पर मौजूद लोग डर गए थे। इलाके च सोग की लहर दौड़ गई है। घटना तो बाद परिवार का रो रो के बुरा हाल है। मृतकों च 15 साल मनशा, 8 साल दिया, घर का मालक यशपाल ते 2 होर मैंबर शामिल ने। 6वें जख्मी को निजी हस्पताल भर्ती करवाया गया। दसया जा रहा है कि मृतक यशपाल भाजपा का आगू सी। घटना तो बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है। घटना की जांच जारी है। जो इन्होंने घर एक कार्ड होया है, असं बच्चों को कढ़िया है, एंबूलेंस वगैरह आईया ने, उन्होंने बच्चों को कढ़िया। जब तक साडा महला सारा बच्चे जिन्हें भी वड्डे सी मंदे सारे ने उन्होंने बच्चों को कढ़िया, लेकिन जब नूं कढ़िया सारे बच्चे डेड हो चुके सी। एक कुड़ी दे विच साह हैगे सी जो उन्हों असी लैके गए हाँ। जो असी सिविल अस्पताल विच लैके गए हाँ, उत्थे सानू कोई अगे नहीं होके मिलिया, कोई उत्थों उन्हों का स्टेचर नहीं उन्होंने सानू कोई दिता, कोई उन्होंने व्हील चेयर नहीं दी, कोई उन्हों का आस पास वाला कोई साडे लागे नहीं लगे। जबकि वह छोटी कुड़ी दे विच साह हैगे सी, असी उम्मीद लाई सी कि डॉक्टर जल्दी कर लैणगे तो शायद कुड़ी बच सकदी सी। यह सिविल अस्पताल की गल है जी। सिविल अस्पताल विच असी लैके गए हाँ, पर उन्होंने 3 असी डेड बॉडियां उत्थे लैके गए हाँ। उन्होंने कोई केयर की लेडीज डॉक्टर सी, वह सानू यही कहते रहे, लेकिन वो उत्थे कोई मूवी बना लगा सी। साडे मुंडे ने कहा कि मूवी नहीं बनानी, पहलों तुसी उन्होंने देखो तो सही मरीजां जिन्हां दे विच कोई साह चलता पिया वो देखो तुसी। उत्थे भी साडे नाल उन्हां दी बहस होई है, बहुत डॉक्टरां ने बहस की है साडे नाल, लेकिन यह हैगा कि उत्थे उन्हां दी केयर नहीं होई है। लुधियाना के पखोवाल रोड से स्थित कंट्री विला कलोनी के एक खाली प्लाट चो एक नौजवान की गली सड़ी लाश मिलन नाल दहशत फैल गई है। लाश के दोवें हाथ वड्डे हुए सन। लाश पुरानी होने कारण इसके अंदर कीड़े चल रहे सन ते आस पास के इलाके च बदबू फैल रही थी। लाश मिलने नाल इलाके च दहशत फैल गई है। लाश बारे जो कलोनी के चौकीदार को पता लगे तो उसने ललतो चौकी के इंचार्ज SI रविंदर शर्मा को सूचित किया। इस बारे पता लगते ही होर पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए ने। मौके का मुआयना करने उपरंत लाश को कब्जे च लैके पोस्टमार्टम लिए सिविल हस्पताल भेज दिया है। पुलिस ने मौके पर मृतक नौजवान की पछाण 27 साल कौमी गतका खिडारी रघुवीर सिंह वासी योद्धा वजो की है। पुलिस ने घटना स्थान तो मृतक का मोटरसाइकिल भी बरामद किया, पर जांच दौरान मौके तो उसके दोवें हाथ नहीं मिले। पुलिस काफ़ी देर तक उन्होंने भाल करती रही। चौकी इंचार्ज ने दसिया कि मृतक के पिता जगजीत सिंह के बयान से अणपछाते व्यक्तियों खिलाफ कतल का मामला दर्ज करके मामले की बारीकी नाल जांच की जा रही है। जून 1984 के दौरान सेवा सिमरन से रूहानियत के केंद्र सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे भारतीय फौज के वलों साका नीला तारा घटना अंजाम दिता गया। साका नीला तारा के विरोध में महाराष्ट्र के शहर पूना विखे उस समय के भारतीय फौज मुखी जनरल AS वैद्या मौत के घाट उतारने वाले शहीद भाई हरजिंदर सिंह जिंदा और भाई सुखदेव सिंह सुखा की 31वीं बरसी हर साल की तरह इस साल भी श्री अकाल तख्त साहब विखे पंथक दर्दियों के पंथक हितैषियों के वलों बड़ी श्रद्धा भावना मनाई गई। इस गल की जानकारी सन 2015 के सरबत खालसा सम्मेलन के आयोजक भाई जरनैल सिंह सखीरा वालों दी गई है। इस मौके SGPC मैंबर भगवंत सिंह सियालका ते जरनैल सिंह सखीरा ने दसिया कि इस बरसी से श्रद्धांजलि समारोह लैके 7 अक्टूबर तो शब्द गुरु श्री ग्रंथ साहब जी के पाठ आरंभे गए सन, जिसके भोग अज पाए गए हैं। इस उपरंत रागी सिंह वालों विरागमई कीर्तन करते हुए सिख पंथ के महान बुद्धिजीवी बुलारिया के वालों भाई हरजिंदर सिंह जिंदा ते भाई सुखदेव सिंह सुखा को श्रद्धा के फुल भेंट किए गए। अज असी शरदा के फुल भेट करने वास्ते भाई हरजिंदर सिंह जी जिंदा भाई सुखदेव सिंह जी सुखा नूं शरदा के फुल भेट करने वास्ते संगत आईया। असी उन्हां महान शहीदां नूं सदा ही आजाद करते रहांगे जिन्हां ने अकाल तख्त साहब का जिहड़ी हुकूमत का नशा सी, जो कि फौज का जनरल वैद्या साढ़े हरिमंदर साहब से चढ़ के आया, इंदिरा गांधी ने उसनूं भेजिया, उस नूं जिहड़ा सोधा लाया पूने दे विच जा के, उन्हां योधियां नूं असीं श्रद्धा दे फुल भेट करन आए हाँ। जिहड़ी मूवमेंट संत जरनैल सिंह ने खालिस्तान दी सिख राज दी चलाई सी, उसे ते पहरा दिता भाई हरजिंदर सिंह जिंदा भाई सुखदेव सिंह सुखा, जो कि साडा अकाल तख्त साहब तह ढेरी कर दिता गया, साडे दरबार साहब नूं गोलियां नाल छाण नहीं कीता, साडा बहुत सिखां दा नुकसान किया इस हुकूमत ने। उस हुकूमत तो बदला लैण वास्ते भाई हरजिंदर सिंह जिंदा जी ने भाई सुखदेव सिंह सुखा जी ने जिहड़ा वैद्या नूं अपना सोधा लाया, असीं उन्हां शहीदां नूं सदा ही याद करते रहांगे। उन्हां मर जीवड़ियां नूं
उन्हां दा इतिहास दे विच सुनहरी अखरां दे विच नां लिखिया होया है, लिखिया सदा वास्ते रहूगा। नित दिन पंजाब दी नौजवानी नशियां दे राहे पै के बर्बादी दी कगार ते जा रही है। मामला अमृतसर दे रणजीत एवन्यू नजदीक फ्लैटां दा, जिथे नशे दी ओवरडोज कारण 21 साला नौजवान सनी उर्फ कालू दी मौत होण कारण जिथे परिवार विच मातम छाया, उथे ही इलाका निवासियां वी नशे दे सौदागरां खिलाफ पुलिस दी ढिल्ली कारगुजारी ते रोस जाहिर कीता। गल करदे आं मृतक नौजवान दे पिता ते भीम एक्शन आर्मी दे फाउंडर नितिज भीम ने कल्ले कल्ले नशा तस्कर दा नाम लैंदे दस्सिया कि इस इलाके विच नशे दे सौदागरां वल्लों शरेआम नौजवान नूं नशे दी दलदल जदों कहे नशे वाले नूं फड़ के पैसे लैके छड्डदे आ उदों कहिंदे आ, उदों नहीं कहिंदे भी इह साडा एरिया नहीं आ, उहनां दा वा, उदों पैसे लैके उहनां नूं छड्ड दिंदे ने। अज का मामला इतना, मेरा जवान बेटा वा नाल नीला ना का मुंडा वा, वह सी इन्हां नशे के सौदागर ने उन्होंने नशा दिता वा, उत्ते 14 नंबर फ्लैटा दियाँ पौड़ियां ने, इहदे उत्ते टीका ला लिया, वो नीला मुंडा नाल सी, इहदी डैथ हो गई। जिन्ना चिर नूं सानूं पता लगा सी हॉस्पिटल खड़िया, इहदी डैथ हो चुकी सी, सानूं किसे ने नहीं दस्सिया जिहड़े नाल सी भज गए। किन्नी उम्र है इह बेटे दी? 21 साल उम्र है जी। सब डिवीजन कस्बा भुलथ विखे आप आगुआं वालों हलका इंचार्ज रणजीत सिंह राणा के पीए तेजिंदर सिंह की अगवाई में भुलथ चौंक च हलका विधायक सुखपाल खहरा का पुतला फूकया गया। इस मौके तेजिंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने रोस है कि हलका विधायक सुखपाल खहरा के पिंड रामगढ़ में गुरद्वारा साहब विखे रखी गई मीटिंग दौरान श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी में सुखपाल सिंह खहरा जिंदाबाद से खहरा तेरी सोच से पहरा देंगे ठोके के नारे लाए गए हैं, जिस कारण गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतों के हिरदे बलूंदरे गए हैं, क्योंकि सिखा लिए श्री गुरु ग्रंथ साहब जी तो उपर होर कुछ नहीं है। इस मौके जत्था जीत सिंह रामगढ़ ने कहा है कि यह बहुत घटिया सोच का नतीजा है। इस संबंधी SHO भुलथ हरजिंदर सिंह नूं मांग पत्र दिंदे आप आगुआ ने कहा कि इस घटिया कारनामे संबंधी कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्र सरकार वालों शैलर मालकां नूं नवें तैयार चौलां विच फोर्टिफाइड चौलां ते होर खनिज ते विटामिनां नूं शामिल करन दी हदायतां कारण झोने दी सीजन दी शुरुआत विच ही केंद्र सरकार ते शैलर मालकां विचाले खिचोतान दा माहौल बन गया। इसे नूं तैयार माल विच मिला के इसकी गुणवत्ता निर्धारित मापदंडा तक लियाना होगा ते अजिहा ना करन दी सूरत विच संबंधित शैलर दी फर्म तो पहलां ही लेगी लखां दी गरंटी जब्त करन दी व्यवस्था है। पिछले सीजन च तैयार माल की कमी 90% दे करीब माल सरकारी लैब दे मापदंडा ते रिपोर्टां च फेल दस्सिया गया, जदों कि दूजे पासे शैलर मालकां ने सरकार वल्लों खुल्ले विच चौलां दे हलवाइयां दी विक्री ते पाबंदी दे इक होर हुक्म जारी करन दे फैसले ते भी नाराजगी जाहिर। आम आदमी पार्टी के सूबाई मीत प्रधान ते हलका विधायक टांडा जसबीर सिंह राजा ने दाणा मंडी टांडा विखे मौजूद झोने की सरकारी खरीद का उद्घाटन किया। विधायक राजा ने कहा कि किसानों वालों धियां पुत्तों वांग पाली हुई फसल की रकम की भरपाई 24 घंटिया के अंदर किसानों के खातों होएगी। उन्होंने नाल आम आदमी पार्टी के सूबा ज्वाइंट सकत्र राजा सुखविंदर सिंह कोटला, ब्लाक प्रधान केशव सिंह सैणी भी मौजूद सन। इस मौके विधायक जसवीर राजा ने मंडी में मौजूद आढ़ती एसोसीएशन के मैंबर किसानों के मजदूरों दख समस्यावान सुनिया तो इन्हों मुश्किलों के हल अधिकारियों जरूरी करने की हदायत जारी की। नाल ही उन्होंने किसानों भी अपील की किसान भीर सुक्की नमी रहत फसल ही मंडी में लैके आ। अज टांडे मंडी दे विच झोने की फसल आई है, स्टार्टिंग की आ, नाल मेरे बहुत ही सत्कारयोग मंडी के प्रधान साहबान तो सारे आढ़ती है, और खुशी की गल है कि देखो अज तकरीबन 22,000 क्वांटल के करीब साढ़े को झोने की फसल पहुँच चुकी है, और अज शाम तो किसानों के खातों जिन्हों की फसल आई है उन्होंने पैसे पैने भी चालू हो जाएंगे। और मान साहब की सरकार का किसानों का वादा जदों झोना बिकेगा 24 घंटे के पैसे पैणगे और किसी किसान को कोई तंगी नहीं आने दी जाएगी।
टांडा उड़मुड़ विखे स्कूटर सवार दो लुटेरिया ने सवेर की सैर कर रही औरतों निशाना बना के उन्होंने सोने दालियां खोलियां। लुट के शिकार हुई जोगिंद्र कौर वासी मेन बाजार उड़मुड़ ने दस है कि जो सवेरे 5:30 बजे बाजार से सैर कर रही थी स्कूटी से सवार दो अनपछाते व्यक्ति है उन्होंने दात दिखा के उन्होंने जान मारन की धमकी देकर उसके कन्ना तो सोने दालियां खोलियां फरार हो गए। इस तरह लुटेरिया ने उड़मुड़ की एक होर औरत तो दरापुर रोड से सैर करते समय मुंदरुखी हुई। हालांकि यह फर्जी से दसाया जा रहा है कि शिमला पहाड़ी रोड से भी एक औरत की स्नैचिंग का शिकार हुई है। चोरी की यह करतूत बाजार च लगे सीसीटीवी कैमरिया च कैद हुई है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल के कार्रवाई कर रही है। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान पिछले कुछ दिनों तो अपनी फिल्म जवान को लेकर सुर्खियां ने उन्होंने फिल्म पूरी दुनिया सफल हो गई। हालांकि हुण यह खबर उन्होंने प्रशंसकों परेशान कर देगी। दरअसल बॉलीवुड च बॉक्स ऑफिस से अपनी बड़ी पारी तो बाद शाहरुख को जानों मारन की धमकियां मिल रही सन। अदाकार की शिकायत तो बाद महाराष्ट्र सरकार ने उन्होंने सुरक्षा बढ़ा दी है। खबरों मुताबिक शाहरुख को लगातार जानों मारन की धमकियां मिली हैं, जिस तो बाद उन्होंने लिखती शिकायत दर्ज करवाई थी। शाहरुख खान को दी गई वाई प्लस सिक्योरिटी तहत 6 निजी ते 5 हथियारों सुरक्षा अधिकारी 24 घंटे लिए उन्होंने नाल रहेंगे। इतने दसना जरूरी है कि किंग खान को दी गई वाई प्लस सिक्योरिटी का खर्चा शाहरुख खुद चुकनगे, उन्होंने इसका भुगतान महाराष्ट्र सरकार को करना पड़ेगा। मुकेरिया के माता रानी चौंक विखे मोटरसाइकिल ते ट्रक विचकार वापरे दर्दनाक सड़क हादसे दौरान